आगे आगे जाओगे ना तो मेरा गांव भी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हाँ कर दो बोले कर दो। अरे यार एक घंटी जरूर बजाना, घंटी मंदिर की भी बजाना और वैसे बैलाखन भी। आई थिंक इन्होंने ना अलग अलग राशियों का नाम देखे, जैसे अमरूद के नीचे कन्या लिख रखा है और वैसे यहाँ अश्वगंधा जो पेड़ है उसके नीचे केतु लिख रखा है। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। सो गाइज, सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। सो गाइज, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए। देन उसके बाद आज प्रोग्राम है हमारा मासी भूमिया देवी मंदिर जाने का, वो तो भी 10:30 तक का जाएंगे। सुबह के काम आप सबने निपटाने में टाइम लग जाता है, देन नहा धो के 10:30 तक का निकलेंगे, तो वहाँ का तो आपको बाद में दिखाऊंगा, बाद में बताऊंगा क्या होता है। और मैं भी वहाँ पहली बार ही जा रहा हूँ, उससे पहले गया नहीं हूँ, मैंने खाली नाम सुना है चौखुटिया मासी जगह का, खाली नाम सुना है, गया नहीं हूँ। तो अभी हम जाने वाले हैं, बाकी गाड़ी वगैरह तो सब बुक करा लिए, और उससे पहले महादेव मंदिर जाके भोले बाबा को जल चढ़ा के आते हैं। और फास्ट तो आज भाई और साथ अंकित भाई भी हैं हमारे। अंकित भाई क्या बोलना चाहोगे हमारे दर्शकों को? आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। चलो यार भाई बोलिए, आज व्लॉग में बोल गया, आज हमारा जीवन धन्य हो गया, तो मिलते हैं भी आपको मंदिर में। आया हूँ मैं दर पे तेरे देख शंकरा, थोड़ी सी जगह शरण में दे दे शंकरा, तेरी शरण में आके भोलेनाथ दूर हो जाती है हर परेशानी, तूने ही लिखी है मेरी ये दास्तां, तू ही सवारेगा मेरी कहानी, यू ना मुझको दूर कर अब तो मुझको खुद में समा। So guys, मंदिर जाके तो आ गए और मैं तैयार हुई, मैं तो तैयार हो गया था, बाकी अपना रवि भाई भी तैयार हो रहे हैं, देन फिर उसके बाद निकलते हैं। सो गाइस, यहाँ से हम निकल तो गए हैं और हमने जो गाड़ी बुक कर रखी थी गाड़ी वाले ने धोखा दे दिया। धोखा क्या दे रखा है, मतलब 1 घंटा 45 मिनट लेट आऊँगा बोल रहा है, अभी आऊँगा ना आऊँगा आऊँ ना करके कर रहा है। अब थोड़ा ऊपर तक हम ही पैदल जा रहे हैं और जो गाड़ी बुक हो रखी थी अब हमने सोच रखा है कि उससे कम रुपये में, मतलब जो किराया तय हुआ था हमारा उससे कम देंगे उसको। गाड़ी आती है तो ठीक आ जाएंगे, नहीं तो कहीं और घूम के आ जाएंगे, पर आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखाएंगे, तो ब्लॉग में बने रहेंगे। तो गाइस हमारे गाड़ी वाले भैया आ गए, फाइनली हमारे गाड़ी वाले भैया आ गए और ये सब जा रहे हैं साथ में, ये सब सीनियर थे मेरे, बाकी रवि और मैं जूनियर हैं, ये हमारे आयुष सर है, ये हमारे सीनियर है, स्कूल के जमाने से हमारे सीनियर है, 2014 से है ना सर आप? हाँ 2014 से मेरे सीनियर है, 10 साल हो गए इनको मेरे सीनियर बने हुए पूरे, ये सौभाग्य हर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो गए अभी तो मार्केट में ही है, मार्केट तो आपने 1000 बार देखी है, देन अभी आगे को जगह दिखा रही है तो बताऊंगा। गाइस 1.5 घंटे की ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए मंदिर। तो गाइस ये रहा मंदिर, यहाँ जाना है हमें। तो गाइस ये रहा प्राचीन भूमिया मंदिर। पहले गाड़ी को अनलोड करते हैं, अनलोड गाड़ी से उतरते हैं फिर चलते हैं। अभी तो हम पहुंच गए, ये रहा मंदिर के बाहर से व्यू कुछ ऐसा ऐसे। तो कुछ इस तरीके का है यहाँ मासी, 1.5 घंटे का पूरा सफ़र किया हमने, उसके बाद हम पहुँचे। तो अभी बाहर से देख लो, बाकी अंदर जाके वीडियो बनाना अलाउ है नहीं है मुझे पता नहीं है, वो तो अंदर जाके पता चलेगा। तो अभी अंदर चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस इस मंदिर के बारे में यार मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, मतलब क्यों है कैसा है ना इसके बारे में कोई नॉलेज, जैसे बोलते हैं प्राचीन इतिहास, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और मैंने गाड़ी में मेरा नेट भी नहीं चल रहा था, सो मैंने कुछ वो भी नहीं किया। और हाँ जरा प्रसाद लेने भूल गए हम, जरा भूल के आ गए, मतलब मैंने सोचा अंदर मिलेगा बट यहाँ से अंदर नहीं मिल रहा, तो बाहर से लेके आते हैं जरा प्रसाद वगैरह लेके आते हैं, देन फिर आगे बताऊँगा। मतलब मैंने इस मंदिर के बारे में ज़्यादा रिसर्च करी हुई,
क्योंकि सुबह से गाड़ी वगैरह आया नहीं था गाड़ी वाला, तो ऐसी प्रॉब्लम हो गई थी। फिर बस जो गाड़ी बैठे थे नेट चल नहीं रहा था, तो शायद अगर मेरे को रूम पे जाके वॉइस ओवर करनी पड़ेगी इसका कुछ इतिहास बताने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, देख लेना। सो गाइस प्रसाद वगैरह ले लिया, जो भी मंदिर में चढ़ावा चढ़ेगा, तो अब जाते हैं दर्शन करते हैं, थोड़ा व्लॉग बनाते हैं, मत्था टेकते हैं, थोड़ी बहुत फोटो शूट करेंगे, फिर उसके बाद चलेंगे वापस हॉस्टल को, क्योंकि ये जो हमारे साथ गर्ल्स हॉस्टल की आ रही है ना महारानियाँ, तो इनका हॉस्टल जल्दी बंद जाता है। देख रहे हैं हंस कैसी, जैसे इसकी तारीफ ही कर रहा हूँ मैं। सो गाइस साउथ दिल्ली से तो कैमरे में देख के बोलना, फिर अभी आ रहे हैं अभी खादा रुक जाए अभी। तो गाइस लोग मंदिर से आ रहे हैं और अरिजीत सिंह के गाने चला के आ रहे हैं, लखा सिंह के चलाए होते, भजन चलाए होते, हम भी कहते हैं अरिजीत सिंह के गाने चला के आ रहे हैं, तो भी जाते हैं अंदर, अभी इंतजार हो रहा है सबके इकट्ठा होने का। और घंटियों को देख के घोड़ाखाल और चितई के मंदिर की याद आ रही है। सो गाइस ऐसा रहा मंदिर, सुनिधि मंदिर के नाम। बाकी घंटियां तो घोड़ाखाल मंदिर और चितई मंदिर की तरह ही चढ़ा रखी हैं, तो यहाँ दिखते हैं होता अगर त्र्यंबकम ये जा मही सुगंधिम पुष्टि वर्धनम करुण मृत्यु क्षीय जयंती मंगला काली पत्र काली कपाली मंदिर का सत्य शिवाद्रति स्वासुदा नमस्तुते जय तुंडे भी चामुंडे जय गोताती हरिणी सरगति देवी कालरात्रि नमस्तुते इस मंदिर से पीछे दिखने में कुछ ऐसा दिखता है, ये यहाँ पर नदी आ रही है, यहाँ पर पानी रुका है देने से वगैरह, बाकी आगे जा रही है नदी और हो रही व्यू। अभी सोच तो रखा है कि पूजा करने के बाद यहाँ जाएंगे, देखते हैं अगर सबकी सहमति होगी, सब एग्री करेंगे, देन वी विल बी गो देयर। ये अपनी बारी आने का वेट कर रही है ये। सो गाइस यहाँ हमें मासी भूमिया मंदिर में तीन लौंडे और मिल लगे हैं अपने हॉस्टल के, जानते हो आप, नंबर एक वर्मा सुनार रावत जी वर्मा सुनार नंबर टू ये हल्द्वानी वाले, ये मानीला वाले, देहरादून वाले बंदे अपने हॉस्टल के। अब हमें पता नहीं था कि ये भी यहाँ आ रहे हैं, मतलब पता था यहाँ आ रहे करके, बट ये सुबह निकल गए थे, हमारे उठने से पहले निकल गए। कितने बजे उठे आए? हम 6 बजे आ गए। हाँ तो भाई हम 7:30-8 बजे उठाऊंगे, 9 बजे उठे थे, तो ये मतलब वृद्ध केदार वगैरह सब घूम घाम के आ गए। थोड़ा बहुत फोटो शूट हो गया बाकी, और ये शिव जी का मंदिर है, ओम नमः शिवाय। बाकी कैमरे की क्वालिटी पे आप जरा क्षमा करें, मार सरस्वती बुद्धि देना, पास हो जाए अच्छे नंबर से, अच्छी नौकरी लग जाए।
पूजा पाठ, दिया जलाना, धूप जलाना, प्रसाद चलाना सारा हो गया है। देना थोड़ा बहुत फोटो शूट चल रहा है साथ वालों का। आयु सर तो अभी भी हाथ पैर जो मतलब हाथ आयु सर तो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं, हाथ हाथ जोड़ देन हमारा हो गया। आप थोड़ी देर वीडियो बना लेते हैं, देन फिर उसके बाद निकलेंगे। मंदिर का छोटा सा गार्डन है, मतलब गार्डन तो क्या बोलेंगे, बोले इसको नवग्रह वाटिका है। मतलब जो नवग्रह होते हैं अपने, जैसे राहु, मंगल, चंद्र, शुक्र, बुध हो गया, गुरु हो गया, सूर्य, सूर्य इन ग्रहों का आई थिंक राजा जो भी होता है सबसे बीच में रख रखा है। शनि हो गए, शनिदेव हो गए, एंड ये अपनी राशियां हो गई। आई थिंक इन्होंने ना अलग अलग राशियों को नाम दे रखे, जैसे अमरूद के नीचे कन्या लिख रखा है, और वैसे यहाँ अश्वगंधा जो पेड़ है उसके नीचे केतु लिख रखा है, शमी का कोई पेड़ है उसके नीचे शनि लिख रखा है, चंदन के पेड़ में राहु लिख रखा है। आई थिंक ऐसा कुछ किया होगा इन्होंने, आई डोंट नो व्हाट। चंपा का पेड़ है, चंपा कोई कोई हंसना मत, चंपा एक पेड़ या फूल का नाम होता है, देन उसको मिथुन राशि दे रखी है, और आंवला को कर्क राशि दे रखी है। अब इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, राशियाँ तो सभी को पता ही है। अशोक को वृषभ राशि, और ये रही आपका, और साथ में ये भोग कुटिया, यहाँ जब मंदिर में भोग वोग लगता होगा देन यहाँ बनता है पूरा भोग, एंड पूरा व्यू आप यहाँ से लो ऐसे। और अभी तो टाइम बहुत बचा है, जल्दी हो गया पूजा पाठ। ये यहाँ पर इनका फोटोशूट चल रहा है, इनकी फोटोशूट खराब करते हैं जरा हम। ये प्रिया है फ्रॉम जम्मू, ये इसका फोटोशूट चल रहा है, ये फ्रॉम गुप्तकाशी, ये तो गांजे वाले एरिया से है, ये हमारे सर हो गए, ये साउथ दिल्ली की हो गई यार, ये अपने उत्तराखंड की है। ठीक, मजाक कर रहा था। तो गाइस जरा कैमरे की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करवाओ, व्यूज़ बढ़वाओ, थोड़ा कुछ इनकम आएगी तो अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, तब तक का इस क्वालिटी से काम चढ़ाओ। सस्ता फोन है, बाकी ये व्यू है रहा, ये सबके फोटोशूट चल रहे हैं यहाँ। ये रहा, तो गाइस अब चलते हैं जरा, जो गधेरा टाइप का दिखा रहा था, मतलब जो नदी है वहाँ पर दिखा रहा था, वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत फोटोशूट वहाँ पर हो जाएगी, फिर उसके बाद फिर चलेंगे आगे। सो गाइस हमारा सब हो गया, फोटोशूट हो गया, अब हम मंदिर से निकल रहे हैं बाहर को। देन उसके बाद जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में या बीच में जो मतलब मंदिर में नदी टाइप की दिखाई थी, देन वहाँ पर जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से सबको मनाया। सो गाइस ये सीन ऐसा है यहाँ पर का, इसको आप वाइड एंगल में, ये वाइड एंगल इतना तगड़ा भी आता है मेरे हिसाब से, नदी अगर यहाँ पर जाती ना और तगड़ा लगता। पर क्या करें यार, प्रकृति को हम तो बोल नहीं सकते ना कि व्यू कैसा आ गया करके। ये रहा प्राचीन भूमिया मंदिर, ये रहा आपका। देन अभी हम खा जाने वाले, आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यार, मतलब कुछ भी बोलो व्यू तो बहुत तगड़ा है, और लोकेशन और जो शांति है, और यहाँ की घंटियाँ देख के मेरे को सबसे पहले याद आई घोड़ा खाल और चितई मंदिर की। और वैसे मेरे ब्लॉग कोई बाहर के तो देखते हैं नहीं, अपने सब दोस्त लोग ही देखते हैं, सबको पता ही है कि उन मंदिरों की क्या महिमा है करके। अभी हम जाने वाले हैं यहाँ, ठीक, अपने तनिष्क, प्रकाश और कौन सा है वर्मा जी, ये यहाँ पहले से पहुँच रखे हैं आई थी, और ये शिव जी का मंदिर है, यहाँ ये जल चढ़ा रहे हैं, तो चलते हैं यहाँ। ठीक, ये हम जाने लगे और हमें गाइड करिए मिस मोहिनी। मोहिनी जी कुछ बोलना चाहेंगी आप? और गाइस मैंने सोचा था थोड़ा ठंडा होगा करके, इसलिए मैं इनर वगैरह डाल के ला गया था, बट यहाँ ठंडा तो है नहीं। सो गाइस ये पहुँच गए हम नदी के किनारे, प्लीज ये देखो थे पानी में, अच्छा लग रहा है यार। ओ भाई ये तो धान 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 वाले खेत है। जाने की कोशिश, मोहिनी अपना फोन वन दे दे। ये तो लड़कियां सबसे बहादुर लड़कियां यार, इनके साथ लास्ट टाइम मैं पांडुखोली भी गया था, लड़की तू हट, रवि तू हट, मैं लड़कियों की बात कर रहा हूँ, पांडुखोली गया था, देन ये उस टाइम पे भी आए थे, इनको जो ऊंचाई होती है ना, लड़कियां यूजुअली देख कर डर जाती है, ये देख के नहीं डरती हैं, और आज यहाँ भी आ गई, बाकी तो हमारे साथ जो थी वहाँ डर रही हैं, पत्थरबाज। यस पत्थरबाज, ये हमारे आयुष सर रहे, ये तुम्हारा योगी भाई रहा यार। चलो अब हम भी थोड़ा इन्जॉय करते हैं, अगर इनसे कहेंगे कोई इसने वीडियो बना दी तो सही है, नहीं तो फिर कोई नहीं। जय श्री राम। अरे डुबकी मारना एक फिकल लेना फिर। <आजी। laughs>
सो गाइस मंदिर में दर्शन वगैरह भी हो गए, पानी में जो खेलना कूदना था वो भी हो गया, वो तो आपको भी व्लॉग में दिख ही जाएगा। देन अभी ये लोग दुकान से कुछ अपनी खरीदारी कर रहे हैं, कुछ फ्रूट वगैरह या पानी वगैरह ले रहे हैं, और उसके बाद फिर निकलेंगे हम अभी वहाँ के लिए, कहाँ के लिए, हॉस्टल के लिए वापस। और लिटरली जिसमें हम आए थे उसमें यहाँ काफ़ी भीड़ थी, और अब यहाँ लगभग मंदिर पूरा खाली हो गया है, एक दो कोई है जो जगह वो भी यहाँ पर आसपास की मंदिर से निकल गए। सो गाइज घूम फिर के अब हम वापस आ गए हॉस्टल, तो अभी थोड़ी देर बाद आई से भी अपने हॉस्टल को चलेंगे, फिर भी और मैं तो हम खैर एक ही रूम के हैं, एक ही हॉस्टल के, देन हम तो जाएंगे। और वैसे आज हम सुबह जो हमने दूध लगा रखा, देन सुबह दूध लाए नहीं थे, उन्होंने बोला कि शाम को दूध लाएंगे, तो मेरा कल का दूध बचा हुआ तो हॉस्टल जाके वो पी लूँगा। और यार मज़ा तो काफ़ी आया आज, और एकदम वर्थ इट लगा, और कुछ चीज़ें ऐसी मज़े ऐसे थे मतलब जो रिकॉर्ड ना हो पाए, जैसे पानी में खेलना वगैरह ये वो, तो कोई बात नहीं करेंगे। आई सर को अलग ही हंसी आ रही क्योंकि उन्होंने लाइव अपनी आंखों से देखा था भाई पानी में खेलते हुए, मेरे को तसले तसले भिगाया था मैंने, एक को तसले उठा के ये डुबा गया, ये उठा के ये डाला, तो कोई नहीं अब मिलेंगे आपको हॉस्टल में। सो गाइस फाइनली हॉस्टल रूम पे पहुंच गए, देन अब करते हैं चेंज और फिर करेंगे रेस्ट, सोएंगे नहीं मतलब फास्ट के दिन सोते तो नहीं है, तो अब वैसे भी 4:30 हो गया है, कितना टाइम भी हो रहा है, 5:05 हो गया, तो सोएंगे तो नहीं, बस ऐसे मतलब थोड़ी देर रेस्ट वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि वैन में गए थे यहाँ से मतलब मैक्सिमम वही होता है कि यार वैन भी गई थी, इको वैन थी वो, ठीक, तो उसमें लाइक इस तरह कम है, मैं लंबा आदमी हूँ, हेल्थ भी ठीक ठाक है, तो जरा पैरों में जरा हल्की फुल्की दर्द हुई, तो रेस्ट करते हैं सही हो जाएगा, और फिर रात सोएंगे तो फिर रात की ना। ये इसको देखो बंदर को, ये क्यों नाच रहा है बंदरों की तरह, ठीक करा दो यार भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, करवा भी दो, क्या बिगड़ जाएगा वो कारपेंटर, एक मिनट बोलना पड़ता है जरा, लोंडो को समझते नहीं है यार बात को, और ना आप समझो, कर दो यार सब्सक्राइब। सो गाइस अब शाम हो गई है, अब जाते हैं मैच में, खाना खाते हैं और फिर बात भी पूरा करते हैं, तोड़ते हैं और फिर सो जाएंगे। यार मैं वहाँ से आया काफ़ी थक गया था, बट सोया इसलिए नहीं क्योंकि फास्ट के दिन सोते नहीं है, तो फिर पहले मैच में जाते हैं, खाना पीना खा के आते हैं, आप पता नहीं क्या बना होगा आज के दिन, वैसे तो और तो ठीक रहता है, मतलब रोटियाँ में कभी कभी दिक्कत हो जाती है, अब ज़्यादा बुराई नहीं करनी आज यार मैच वाले की भी, तो देखते हैं आज क्या बनना है, तो अभी ऊपर रहते हैं। बाकी सुबह दूध भी नहीं आया था, जो भैया दूध लाते हैं वो लेते हैं शाम को आएगा करके, तो अभी दूध भी लाऊंगा उनसे मैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस ये रहा अपना आज का खाना, खीर आलू की सब्जी और पूरी, बाकी चावल है दिन के बचे हुए, बट वो नहीं खाऊंगा दिन के बचे हुए, दिन भर फास्ट कर रखा था चावल के खाऊँ, ये रहा अपना खाना, तो खाना खाते फिर मिलते हैं आपको रूम पे। सो गाइस डिनर वगैरह तो करके आ गया हूँ रूम पे, बाकी रवि कर नहीं रहा, पता नहीं क्या सीन है इसका यार, बोला मैं नहीं खा रहा ऐसा वैसा, पता नहीं छोड़ो क्या है ना, मैंने तो बोल दिया खा ले, अब बोल रहा है कि भाई इसने मेरे साथ 10-12 अंगूर खाएंगे, 10-12 अंगूर खाए थे इसने, 10-12 खाए थे मेरे, बोला यार हो गया उसी से बर तोड़ दिया, मैंने खा के यार अन्य खा के तोड़ते, पर मान नहीं रहा, पता नहीं क्या कौन सी रीति रिवाज परंपरा चलती है इसके यहाँ, तो कोई नहीं हम किसी के साथ जबरदस्ती करेंगे नहीं, और अब खाना पीना हो गया आराम से और थकान हो रही है, अब कोशिश करता हूँ सो जाऊँ, अगर नींद आ जाए तो, वैसे आ जानी चाहिए, आई नहीं मुझे पता है क्योंकि हल्ला गुल्ला बहुत होता है रात को 12-1 बजे से, यहाँ शांति होती नहीं है, तो सो जाते हैं और साथ में ही इस ब्लॉग को करते हैं पर एंड, और आपको मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में, टिल देन बाय गुड नाइट, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एंड करवाना ना भूलें, भाई बहुत क्लियर तरीके से बोल रखा है, करवा दो यार इतना काम।